नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया। सीपीसीटी सीरीज़ का ये नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने जनरेशंस पढ़ी थी और जनरेशन के बारे में देखा था कि कौन सी जनरेशन किस सन से शुरू हुई और किस ईयर पे ख़त्म हुई, उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ हुआ और किस जनरेशन में किस इफेक्ट की बात हुई। आज हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर, वैसे तो हमने देखा है कि कंप्यूटर दो तरह के होते हैं अभी, डेस्कटॉप और लैपटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर के प्रकार हैं। लेकिन यदि कंप्यूटर का वर्गीकरण करना हो, कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो उसके लिए वैज्ञानिक एक तरह से उसको वर्गीकृत नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने तीन तरह से वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण एप्लीकेशन के आधार पर, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुप्रयोग। दूसरा जो वर्गीकरण किया है वैज्ञानिकों ने, वो किया है पर्पस के आधार पर, इसको बोलते हैं उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा जो वर्गीकरण हुआ है वो है साइज के आधार पर। तो ये तीन प्रकार से कंप्यूटरों को वर्गीकृत किया है, बांटा गया है वैज्ञानिकों द्वारा। ये तीन तरह से बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कंप्यूटर अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अलग अलग साइज के भी होते हैं और अलग अलग पर्पस के भी होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे। आशा करता हूँ आप वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, छूट जाती है, तो मैंने आपको ये भी कहा है कि इस वीडियो में मैं पूरा कवर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कोई चीज़ छूट रही हो, तो आप इस वीडियो से रिलेटेड दूसरा जो डाटा आपके पास उपलब्ध है, चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो किसी बुक में हो, उसको भी आपको रेगुलर पढ़ना है। वरना होगा ये कि आप एक बार वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे और फिर पूरा आपका माइंड वॉश हो जाएगा। एप्लीकेशन के आधार पे जो कंप्यूटर्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। पर्पस के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पर्पस के आधार पे जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। और साइज के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं वे होते हैं पांच प्रकार के। किसी किताब में पांच प्रकार के दिए हैं, किसी किताब में चार प्रकार के। मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर और वर्क स्टेशन। ठीक, तो इस तरह से कंप्यूटर का वर्गीकरण यदि करना हो, कंप्यूटर को किन आधारों पे कितने प्रकारों में बांटा जा सकता है, तो ये तीन प्रकार से आप उनको बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एप्लीकेशन के आधार पे जो कंप्यूटर बटे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें सारे कंप्यूटर्स ही हैं। पुराने जो वैज्ञानिक है उन्होंने एप्लीकेशन के आधार पे जो कंप्यूटर में डिवाइडेशन किया है, वो एनालॉग कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें आती है जो केवल गणना करती है और उनको व्यक्त करती है। चाहे इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आए या ना आए, इसमें ऐसी सभी चीज़ें जो भौतिक मात्राओं, ताप, दाब, लंबाई, ऊंचाई, इन सब चीज़ों को मापने का कार्य करती है, वो सब एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए इसमें कंप्यूटर नहीं आते, इसमें केवल वे मशीन आती है जो भौतिक मात्राएं, फिजिकल मात्रा नापती है। ठीक है, जैसे थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर के अलावा वर्नियर कैलिपर्स, पेट्रोल पंप की मशीन जो पेट्रोल मापती है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो किसी चीज़ को मापती है और अंकों में व्यक्त करती है, ये सब चीज़ें कायम आती है, एनालॉग कंप्यूटर की श्रेणी में आती है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में अंतर आप इन दो घड़ियों को देखकर समझ सकते हैं। ये जो घड़ी है ये एनालॉग है और ये जो घड़ी है ये डिजिटल है। ठीक,
एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्रा, दाब, ताप, लंबाई, ऊंचाई को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं। ठीक है, इनका उपयोग अधिकतर वैज्ञानिक विज्ञान या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में मात्राओं का यूज ज़्यादा होता है। ठीक, इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिजिट यानी कि डिजिट के आधार पर कार्य करते हैं और अंकों की गणना करते हैं। ऐसे कंप्यूटर व्यापार को चलाते हैं, घर का बजट तैयार करते हैं और इस प्रकार के कंप्यूटर किसी भी चीज़ की गणना करके हाउ मैनी कितना है मात्रा में इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देता है। आप देख रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल किस टाइप के होते हैं और डिजिटल सिग्नल किस टाइप के होते हैं। तो टोटली कहने को ये कह सकते हैं कि एनालॉग और डिजिटल दोनों अपनी अपनी जगह के अलग अलग हैं, लेकिन जो आजकल कंप्यूटर चल रहे हैं अगर हम उसको देखें तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आजकल के कंप्यूटर जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं। तीनों प्रकार में अगर हम देखें जो हम सामान्यतः यूज़ करते हैं हमारे घरों में, ऑफिस में, इंस्टीट्यूट पे या सब जगह जहाँ पे स्पेशल ज़्यादा काम नहीं होता है, जनरल काम होता है, वहाँ पे स्पेशली एक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होता है जो हम यूज़ करते हैं। पर्पज़ के आधार पर हम जनरल पर्पज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं अधिकतर, और साइज़ के आधार पर हम माइक्रो कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर ताप, दाब, लंबाई मापने वाली जो मशीन है वो सब एनालॉग, डिजिटल डिजिट में व्यक्त करना, और हाइब्रिड इन दोनों के गुण वाले कंप्यूटर। इतना क्लियर। इसके बाद पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इसमें बेसिकली अंतर ये है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर यदि आप किसी इंस्टीट्यूट से सीखे हुए हो, आपने DCA, PGDCA बेसिक कोर्स किया है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली वगैरह सीखे हैं, तो आप जहाँ भी इन सॉफ्टवेयर को मान्य करते हैं, जहाँ इन सॉफ्टवेयर की डिमांड है, वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हो, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। चाहे किसी भी प्रकार का किसी भी कंपनी का कंप्यूटर हो, आप जनरल पर्पस कंप्यूटर पे काम कर सकते हो। लेकिन यदि आपने बेसिक कोर्स किया है, DCA किया है और आप जाके इसरो में अप्लाई करते हो कि मुझे रॉकेट उड़ाना सीखना है और मैंने ये डिप्लोमा किया है, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जनरल पर्पस कंप्यूटर चलाने नहीं जा रहे हो, वहाँ पे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर हमारे जो सामान्य लैपटॉप, डेस्कटॉप होते हैं, ये कंप्यूटर होते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सामान्य तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ऐसे कंप्यूटर। इनकी डिमांड हर जगह है, लेकिन हर जगह जो सिंपल कंप्यूटर होते हैं वही हम चला सकते हैं। यदि आप अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र में जाके देखेंगे तो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, वो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। मिशन मंगल मूवी में आपने देखा होगा, एक बड़ा हॉल होता है जहाँ पे एक व्यक्ति 10 लोगों से बात करता है, इंजन ठीक करना, फ्यूल चेक करना, ठीक, कोई कुछ चेक करता है, कोई कुछ चेक करता है, तो वहाँ एक ही कंप्यूटर से सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, ऐसा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, इन सब मशीनों में बड़ी बड़ी अलग अलग चीज़ें लगी होती है, जैसे MRI स्कैन करने की मशीन। वहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही अलग प्रकार के होते हैं। क्या आप MS वर्ड या एक्सेल सीखकर वो मशीन चला पाएंगे? नहीं, उसके लिए हार्डवेयर भी अलग होता है और सॉफ्टवेयर भी अलग होता है, लेकिन इसीलिए उसको स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो विमान आ रहे हैं आजकल, हवाई जहाज होते हैं, वो अत्याधुनिक आते हैं, उनमें कंप्यूटर का यूज़ होता है। ठीक है, राफेल विमान आते हैं या ये जो यात्री विमान होते हैं, ये सब ऑटोमेटिकली कंप्यूटर द्वारा जनित होते हैं। आजकल जो टैंक आते हैं वो भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से लेस होते हैं। तो अगर हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सीखे हुए हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर सीखे हुए हैं, तो हम ना तो टैंक चला सकते हैं ना एरोप्लेन चला सकते हैं। उसके लिए विशेष तौर पे अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं और उनकी ट्रेनिंग लेनी होती है। तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में आपको अंतर समझ में आ गया। जनरल अलग, स्पेशल अलग। जनरल पर्पस कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर जो हम सीखते हैं, हर क्षेत्र में उनका यूज़ होता है, लेकिन रिसेप्शन या सामान्य तौर पे जो डाटा एंट्री होती है उसके लिए। हॉस्पिटल में भी होता है, एजुकेशन में भी होता है, कॉलेज में, स्कूल में, बिजनेस में, लेकिन स्पेशल पर्पस कंप्यूटर स्पेशल मशीनों में यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर यूज़ होते हैं। इसी तरह से
आगे हम साइज के आधार पर देखेंगे, लेकिन अभी आज के इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो हम साइज के आधार पर देखेंगे। धन्यवाद।